मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग एकदम मस्त ना दोस्तों। मैं आपका दोस्त, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चाचा, आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी वीडियो अपने चैनल राकेश तोमर गुमक्कड़ पर। एक ऐसी वीडियो जो आज से पहले इस तरह की वीडियो मैंने नहीं डाली। दोस्तों मेरा टूर चल रहा है राजस्थान, राजस्थान में भी कहां अकेला किंग अशोक भाई के तरफ। अशोक भाई ने इन्वाइट किया था मुझे कि राकेश भाई आप आए हमारे यहां और खोली वाले बाबा बाबा मोहन राम जी का मेला आप देखें, आप दर्शन करें। हाँ, उन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया था और कोई प्यार से बुलाए और मैं ना जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा रिश्ता और आपका रिश्ता एक अलग ही रिश्ता है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे डीजे वाले भाई हैं, सबसे मेरा रिश्ता एक अलग ही रिश्ता है। हाँ, तो अगर आप प्यार से बुलाएं और मैं ना आऊं ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी कड़ी में मैं पहुंच गया था राजस्थान, हाँ, अशोक भाई के बुलावे पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, मैं कह रहा हूँ कि आज की वीडियो मैंने इस तरह की वीडियो मैंने कभी डाली ही नहीं। तो ये वीडियो जो क्यों मैं बोल क्यों रहा हूँ, इसमें भी एक छोटा सा लॉजिक ही है कि मैं बोल क्यों रहा हूँ। हाँ दोस्तों, जहां पर अकेला किंग से बड़े बड़े डीजे साइड से निकलते बचते हुए चले गए ना, अकेला किंग के पीछे कोई भी नहीं लगा रहा, अबे लगा लो भाई, अबे लगा लो भाई। वहां पर एक पिकअप पर एक डीजे लगा हुआ था, डीजे पर्ल था आई थिंक, डीजे पर्ल, अभी उसकी वीडियो एडिटिंग करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, डीजे पर्ल था आई थिंक। उसने कॉम्पिटिशन करने की इच्छा जाहिर ही नहीं करी, उसने डायरेक्ट लगा दिया। तो दोस्तों उस बंदे की मैं बहुत हिम्मत मानता हूँ, बहुत रेस्पेक्ट हो गई उस बंदे की मेरे दिल में, कि बड़े बड़े डीजे ने साइड से निकल लिया और उसने कम से कम अपनी हिम्मत तो दिखाई। बात ही अलग है कि उसका छोटा डीजे था तो किसी भी कीमत में उसे टक्कर नहीं ले सकता था, लेकिन अपने वजूद तो दिखाया बंदे ने, दिखाया लोगों के पास ये मेरी वीडियो पहुंचेगी तो रीच पहुंचेगी कि हाँ भाई कोई बंदा पर्ल है, आई थिंक पर्ल ही है शायद, कि पर्ल डीजे। तो भाई माफी चाहूंगा अगर आप, मैं नाम फिलहाल कंफ्यूजन हो, बाकी मैं वीडियो जब एडिट करूंगा जब आपको दिखाऊंगा कि रियल नेम क्या है, वैसे तो मेरे हिसाब से यही नाम है, लेकिन मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं और उसकी रीच को दूर तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा कि बड़े से बड़े डीजे साइड से निकल गए और उस बंदे ने अपनी हिम्मत दिखाई। तो आज ये कंपटीशन देखो, ये बात अलग है कि वो अकेला किंग से नहीं जीत सकता था, क्योंकि वहां पर जब वो बज रहा था पंच, अगर वो अकेला बज रहा बहुत बढ़िया साउंड निकल रही थी, गजब की साउंड निकल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, दिल से स्वागत करता हूं उस भाई का, लेकिन जब अकेला बजता था तो उसकी आवाज एकदम से गायब हो जाती थी, क्योंकि भाई साहब सेटअप बड़ा था अकेला किंग का और वो छोटा पिकअप पर था। लेकिन फिर मैं बार बार कह रहा हूं एक ही चीज को कह रहा हूं कि बंदे की हिम्मत को मेरा सलूट है दोस्त, सलूट है। तो दोस्तों चलो ये वाली वीडियो देखो और लाइक वीडियो को अभी कर लो। दोस्तों एक चीज कहता हूं कि वीडियो को लाइक तो स्टार्टिंग में कर लिया करो, कमेंट बीच में कर सकते हैं और या एंड में कर सकते हैं, कमेंट करके भी आप लोग जरूर जाओ, आपका कमेंट का मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट मैसेज पे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी इसी नाम से राकेश तोमर गुमक्कड़ को सर्च मारेंगे तो सबसे ऊपर मेरी फोटो दिखाई देगी और मैं आपको खड़ा हुआ दिखाई दूंगा बर्फ के अंदर, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, आपके हर मैसेज का जवाब वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी देखते हैं ये वाली वीडियो। Oh,
बढ़ा दिया।